साउथ इंडिया की लड़की कैसे बनी एक ट्रक ड्राइवर, सोशल मीडिया पर डाली वीडियो और यूट्यूब पे है आज बहुत ज्यादा फॉलोवर, जानेंगे इस वीडियो में। आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, वह किसी से कम नहीं है, ऐसा साबित भारत की महिलाओं ने कर दिखाया है। ऐसे ही एक केरल की रहने वाली 42 वर्षीय जेलजा के लिए हैवी ट्रक चलाने के इस जुनून ने उन्हें अपनी नौकरी को यात्राओं के प्रति अपने प्यार के साथ मिलाने के लिए छोड़ दिया। जेलजा इतिहास में बीए की डिग्री भी ले रखी है। हालांकि कुछ नया करने के उत्साह और अपने पति के प्रोत्साहन से जेलजा ने पहले दोपहिया वाहन चलाना सीखा, फिर कार चलाना शुरू किया और 2018 में 12 पहियों वाला ट्रक चलाया। जेलजा का पुथेट्टू ट्रैवल ब्लॉग यूट्यूब चैनल भी है और साथ में ही इंस्टाग्राम पर भी लाखों में फॉलोवर हैं, जहां वह उन मनमोहक स्थानों की तस्वीरें साझा करती हैं जहां वह यात्रा करती हैं, जैसे कश्मीर और मेघालय, जहां जाने का कई लोग केवल जाने का ही सपना देखते हैं, लेकिन यह महिला वहां अपना ट्रक चला लेती है। यूट्यूब में वह अपने दर्शकों को सिर्फ दर्शनीय स्थल ही नहीं दिखाती, जेलजा उन्हें स्थानीय जीवन और भोजन में डुबो देती है। वह सिर्फ एक पर्यटक ही नहीं है, वह एक यात्रा भी प्रेमी है। वह अपने वीडियो के माध्यम से बताती हैं कि कई लोग यात्रा करने और नए लोगों से मिलने का सपना देखते हैं। यात्रा के शौकीन अक्सर अलग अलग संस्कृतियों को जानने, यादें बनाने और उन्हें दुनिया के साथ साझा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस तरह के वैश्विक रोमांच अक्सर भारी कीमत के साथ आते हैं। वह कहती हैं, जब उन्होंने अपने पति से पूछा कि क्या मैं माल परिवहन करते समय उनके साथ देश भर की यात्रा में शामिल हो सकती हूं, तो उन्होंने कहा, हाँ आप जा सकती हैं, लेकिन तभी जब आप ट्रक चलाएं। ज्यादातर महिलाएं शायद इस सुझाव को हंसी में उड़ा देती हैं, लेकिन जेलजा ने इसे गंभीरता से लिया और ट्रक चलाना सीखा और अपने पति के साथ शामिल हो गईं, जो देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े ट्रक से सामान ले जाते थे। जेलजा कहती हैं, मेरे बच्चों की देखभाल मेरे घर पर मेरा परिवार करता है। बड़ी बेटी 20 वर्ष की है, बीएटकॉम सेकेंड ईयर से कर रही है, जबकि छोटी 18 साल की है और बीबीए फर्स्ट ईयर में है। 2022 में राज्य में लर्निंग लाइसेंस पाने वाले करीब 11 लाख लोगों में से 40% महिलाएं थीं। महिलाओं को दोपहिया वाहन और कार चलाते देखना आम बात है, लेकिन ट्रक चलाती महिला दुर्लभ है। केरल में महिलाएं अक्सर बस और कैब भी चलाती हैं। महिला ट्रक चालक को 15 से 20 दिन तक बिना रुके सड़क पर ही रहना पड़ सकता है।